सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देसी गौ माता का गोबर, जो गौ माता चरने वाली है, शुद्ध जो चरना हो जिसका, अच्छा भोजन हो जिसका, वो सारी स्थिति की जो गौ माता है, जो अच्छा चरती है, अच्छा चारा आदि इत्यादि करती है, उसका जो उससे जो पोषण होने वाला, उसका जो गोबर है, वो गोबर एंटीबैक्टीरियल होता है। चर्म रोगों के लिए वो गोबर रामबाण है, चर्म रोगों के लिए। कई संतजन ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति के पसीने की गंध बहुत तेज होती है, अगर वो मात्र एक साल तक वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार भी देसी गौ माता के गोबर से स्नान कर ले, अपने शरीर पर मल ले, तो उसकी वो गंध चली जाएगी। सोचिए आप कितनी, कितना बड़ा आयुर्वेदिक एक तरह से दर्शन है। जो गौमूत्र है, गौमूत्र में भी विशेष लक्षण है, गौमूत्र में उससे कुछ ज्यादा ही है, हालांकि अंतर दोनों में जरा भी नहीं है। गोबर के रस को भी पिया जाता है और गौमूत्र को भी पिया जाता है, गौरस भी पिया जाता है। और गौमूत्र की चर्चा तो इतनी है कि उसके अंदर इतने खनिज, इतने लवण है, जो सामान्य तौर पर किसी भी लिक्विड में नहीं पाए जाते। चाहे आप कोई जूस ले लीजिए, चाहे आप कुछ कुछ भी ले लीजिए, वो जितने खनिज, जितने लवण, जितने एसिड आदि इत्यादि शरीर को रिक्वायर्ड है, वो सब गौमूत्र में पाए जाते हैं। इसलिए गौमूत्र का सेवन करने वाले व्यक्ति का शरीर बहुत अच्छा होता है और धीमे धीमे उसके आंतरिक सभी बीमारियों का निदान हो जाता है। फिर बाही जो भी होती है, वो भी जब आंतरिक निदान होगा तो बाही भी होता है, दोनों होते हैं। स्किन के प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित लोगों के लिए ये भी है कि अगर वो गौमूत्र के को भी अपने स्किन पर लगाते हैं, तो स्किन जहां भी समस्या है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, एक्जिमा और आदि इत्यादि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस स्थिति में उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को भी उससे हजारों गुना लाभ मिलते हैं। अगर व्यक्ति करना चाहे तो करके देख सकता है। अब बात आती है गाय के पूंछ के झाड़े की, क्योंकि आज की तारीख में तो कोई करे तो कोई कहेगा, अरे क्या ये गंवार आदमी क्या कर रहा है, होता ही व्यक्ति आजकल। लेकिन गंवार वो नहीं है, जो सोच रहा है वो हो सकता है। इसलिए कहता हूं क्योंकि गौ माता का जो पूंछ है, पूंछ के पूंछ का जो झाड़ा है, जो बाल है, उसके अंदर धन आयन, जो पॉजिटिव आयन्स हैं, वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में धनायन होते हैं, पॉजिटिव आयन उसके अंदर होते हैं, और वो इतने होते हैं, इतने होते हैं कि उस पूंछ के झाड़े की या उसके स्पर्श करने की स्थिति से व्यक्ति को पता पड़ जाएगा। डिप्रेशन और अवसाद के शिकार जो लोग हैं, जो लोग डिप्रेशन आदि के शिकार अपने आप को मानते हैं, वो लोग अगर गौ माता की पूंछ पकड़कर 2-5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन बैठे, आप देखिएगा 2-4-5 दिन में उनको आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा।